दोस्तों नमस्कार, मैं अंबुज भारद्वाज वर्तमान में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूं और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूं। अपने क्षेत्र की खबरों से लगातार रूबरू होता रहता हूं, देश दुनिया की खबरों को लगातार जानने का प्रयास करता हूं। और आज का जो हमारा मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था पूर्णिया की सोशल मीडिया जो चल रही है, उस सोशल मीडिया में जो हमारे वहाँ के पत्रकार हैं और वहाँ के जो कुछ युवा हैं अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं, मतलब पार्टी का नहीं है, मतलब ये है कि जो पत्रकार हैं वो निष्पक्ष पत्रकारिता कर क्यों नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे जो लोकल बॉडी है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे वो वहाँ के सांसद हो, चाहे कोई भी जो जनप्रतिनिधि है, वो हमारे पत्रकार बंधुओं को, जो लोकल पत्रकार हैं, उसको क्यों प्रभावित करते हैं, उसके साथ क्यों प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं उसको। अब ये मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ और लगातार नज़र बनाए रखा था मैंने उस खबर पे। और जब ये न्यूज़ आ रही थी कि हमारे एक पत्रकार हैं वहाँ के, प्रत्येक न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं, प्रफुल्ल जी उनका नाम है, उनकी पत्नी ने एक थाने में, पूर्णिया के सदर थाने में केस दर्ज कराया था। जो पत्रकार महोदय हैं प्रफुल्ल जी, उनके ऊपर उनको लेके जो धमकियाँ दी गई थी, कुछ खास हमारे जो सांसद हैं पूर्णिया के, वर्तमान सांसद, उनके कुछ करीबी हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं और काफ़ी सक्रिय हैं, छात्र जदयू चलाते हैं, जदयू में हैं, और उनके जो करीबी हैं उन्होंने धमकियां दी, उन्होंने प्रताड़ित करने की कोशिश की हमारे पत्रकार महोदय को, और कहीं ना कहीं उनके निर्णय को बदलने का प्रयास किया। अब कोई भी पत्रकार जब पत्रकारिता कर रहा होता है तो क्या वो किसी मुद्दे को लेकर निष्पक्ष रहेगा, या फिर जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको उनके विचार के अनुसार खबरें छापेगा? कोई भी पत्रकार इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं, मैं समझता हूं कि पत्रकार किस भावना के साथ काम करता है। जिस तरह से बॉर्डर पर सैनिक काम करते हैं, उसी तरह से समाज को सशक्त बनाने के लिए कहीं ना कहीं पत्रकार का भी एक अहम रोल है, उनका योगदान है समाज को बनाने में, और लोगों का भरोसा भी है। अभी भी हमारे देश की मीडिया का जो भी रैंकिंग हो वैश्विक स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ की जनता का जो विश्वास है वो पत्रकारों पे अभी भी बना हुआ है। देश का कोई भी चैनल हो, वो हमारा लोकल मीडिया हो या फिर राष्ट्रीय मीडिया हो, लोग अभी भी उसके खबरों पर विश्वास करते हैं। तो मैं आता हूँ मुद्दे पे। बात यूँ थी कि जो एक बबलू चौधरी करके हमारे एक नेता है, जदयू के नेता हैं, एक ठेकेदार हैं, टेंडर का काम करते हैं और इन सब चीज़ों में लिप्त रहते हैं। वो जो नगर निगम है हमारा, वहाँ के मेयर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो संयोग से क्या हुआ, अब सिटिंग से मिला टेंडर या किस कहाँ से मिला ये भगवान जाने, उनके पास लाइसेंस है भी नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो तो प्रफुल्ल झा का जो चैनल चलता है उस पर भी सवाल खड़ा करते हैं कि उनके पास लाइसेंस है नहीं है, उनकी योग्यता क्या है। योग्यता देखने के बजाय लोगों को ये देखना चाहिए कि जो वो मुद्दा उठा रहे हैं वो मुद्दा सही है या नहीं है, लोगों के हित में है या नहीं है, समाज हित में है या नहीं है, लोक कल्याण के लिए वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पत्रकार का तो यही काम होता है। डिग्री तो रिपब्लिक टीवी के जो एंकर हैं, जो इससे पहले टाइम्स नाउ में काम करते थे, अर्णब गोस्वामी, उनके पास भी नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पर आज इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं कि कई सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। तो बात यह है कि जब हमारे प्रफुल्ल झा जी वहाँ पे रिपोर्टिंग करने पहुँचे, जो सड़क है, सड़क की स्थिति जर्जर है, वो लोगों को बताना आवश्यक है, उसके लिए जनप्रतिनिधि को सचेत करना आवश्यक है। वो क्षेत्र में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, रोड की ढलाई क्यों नहीं हो पा रही है, जनता का जो क्षेत्र का विकास है वो क्यों नहीं हो पा रहा है, उस कड़कती बिजली और बारिश के मौसम में वो अपना माइक और अपने कैमरामैन को लेकर मौके पर पहुंचते हैं और वहां पे उस स्थिति को दिखाते हैं, जो रोड की जर्जर स्थिति है, रोड पे पूरा पानी जमा हुआ होता है, नाला पूरा भरा हुआ होता है, 6 महीने पहले टेंडर घोषित हो चुका है, अब तक कोई काम नहीं हुआ, एक वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिखी, ना गिट्टी गिरा, ना बालू गिरा, ना जो ढलाई की जो सामग्री है उसका एक भी सामग्री वहाँ पे नहीं गिरा। तो इस तरह से जब वो रिपोर्टिंग करने पहुँचते हैं, उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है, उन्हें फ़ोन कॉल्स आते हैं, उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम इस तरह के काम मत करो, हम जो बोलते हैं वो करो। तो कोई भी पत्रकार इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी से कुछ दिन पहले उनकी पत्नी ने केस किया, इस मामले में केस किया कि जो केस का जो मामला था ये था कि वो प्रफुल्ल झा जी अपने परिवार के साथ गुजर रहे थे पूर्णिया के ही रामबाग चौक पे, जहाँ पे जिस इलाके में सांसद महोदय का हमारा घर भी पड़ता है,
उनका अब जो उनके क्षेत्र में है उनका तो मनोबल तो बड़ा हुआ होगा ही। अपने कुछ लोगों के साथ, कुछ लड़कों के साथ रामबाग चौक पे खड़े होके जब वो जा रहे थे तो उन्हें रोक के उन्हें धमकाया गया, उन्हें गालियां दी गई, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। जब उनकी नैतिकता इतनी भी नहीं थी कि उनके परिवार के लोग थे वहाँ पे, उनके साथ उनकी पत्नी थी, बच्चे थे, फिर भी उनके सामने उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। उसके बाद मामला ये होता है कि उनकी पत्नी केस करती हैं। अब सदर थाना की जो हमारे अभी मुझे अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी, मेरी कुछ दिन पहले बात भी हुई थी वहाँ के सदर थाना अध्यक्ष से, उन्होंने बताया था कि जो मामले की जो गंभीरता है उसको देखते हुए जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप की गंभीरता को देखते हुए जो अधिकारी है, जांच अधिकारी, वो नियुक्त कर दिया गया है। अब जो भी आरोप, उन्होंने तो मुझे भरोसा दिलाया कि जो कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष होगी। हो सकता है निष्पक्ष, मैं मानता हूँ निष्पक्ष कार्रवाई हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, होना भी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें फैलाई जा रही है। अब से कुछ दिन पहले अगर आप देखते हैं प्रफुल्ल झा, जो मेरी इस लाइव को देख रहे हैं, वो प्रफुल्ल झा जी के पोस्ट को निकाल के देखें, उनसे संपर्क करें, वो आपको ऐसे ऐसे स्क्रीनशॉट दिखाएंगे जिनको देख के जो आपके अंदर जो एक किसी भी पार्टी कार्यकर्ता के लिए जो सम्मान का नज़र होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो पार्टी के नेता है वो अपना सारा कुछ सेक्रीफाइस करके समाज के लिए आते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब लोग बोलेरो लेते हैं, स्कॉर्पियो लेते हैं, उजला कुर्ता पैजामा पहन के समझते हैं मैं नेता हो गया। और जो सांसद महोदय के करीबी हैं, दो टेंडर मिल जाते हैं, खुद को ठेकेदार मानने लगते हैं। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि पत्रकार महोदय को धमकाया क्यों गया। अगर वो धमकी, अगर उसको सीरियसली नहीं लेती है प्रशासन, तो कहीं ना कहीं इस पे ये माना जाएगा कि प्रशासन भी बाइज्ड है, प्रशासन भी एक तय रणनीति के तहत काम कर रही है। अब सोशल मीडिया पे क्या प्रचार किया गया, मैं आपको बताता हूँ। प्रफुल्ल जी ने इस टाइप का कोई पोस्ट डाला कि मुझे धमका। अब कोई भी व्यक्ति जब प्रशासन से भी संपर्क कर रहा है तो उसे सहायता नहीं मिल रहा है। आम जनमानस के लिए जो आवाज़ उठा रहा है उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। जब उन्होंने फेसबुक पर के माध्यम से इस बात को लोगों की जनता के सामने रखना चाहा, तो वहाँ पे भी, वहाँ जो कुछ जदयू कार्यकर्ता हैं जो नज़दीकी हैं, सांसद महोदय के साथ उठते बैठते हैं, उन्होंने वहाँ पे गाली गलौज की उनके साथ। इसके कई सारे प्रमाण हैं, मैं भी आपको लाइव होने के बाद अगर आप चाहते हैं तो मैं प्रमाण कमेंट बॉक्स में कर दिखा दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्राउंड पे उन्हें धमकाने का काम किया गया। चौक पे जो सांसद जी का जो इलाका है वहाँ पे उनको रोक के परिवार के साथ नैतिकता को तार तार करते हुए वहाँ पे उनको धमकाया गया, उनको गालियाँ दी गई। तो इस तरह से कोई पत्रकार क्या निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा, मेरा आपसे ये सवाल है। क्योंकि अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है तो कहीं ना कहीं उसे जनता का साथ चाहिए। अगर जनता पत्रकार के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाएगी, सत्य का साथ नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं पत्रकार को मजबूरन बाइक। जिसको कि प्रधानमंत्री हमारे जो भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बने थे भारत वाजपेयी जी, उन्होंने उनको दुर्गा की संज्ञा दी थी। लेकिन उस दुर्गा की संज्ञा क्या, उस संज्ञा का क्या करना जब उन्होंने देश की जनता की जो महत्वाकांक्षा है उसको नहीं समझा। देश के जो नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको बिना पूछे बिना कुछ सोचे समझे इमरजेंसी देश में लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया। तो जो 25 जून की घटना थी, उस 25 जून के कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि पत्रकार बाइज्ड हैं, तो उस 25 जून की घटना को भी अभी भी कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। उसको जो उनके तरह के लोग हैं वो बोलते हैं कि अभी जो मीडिया है वो बाइज्ड है। तो आरोप लगाने का काम करती है, आरोप जिनको लगाना है वो लगाए, लेकिन जो सच है वो सबके सामने आएगा। अंत में मैं क्या कहूँ, मेरी बस यही, क्योंकि थानाध्यक्ष जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष रूप से की जाएगी, और जो 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 सच में दंड का भागी है वो उसे दंड दिया जाएगा। और मेरी सांसद महोदय से, संतोष कुशवाहा जी से भी विनम्र विनती है कि इस तरह के कार्यकर्ताओं से को रख के अपने साथ रख के आप अपनी छवि को स्वतः धूमिल कर रहे हैं। आगे चुनाव है ना, तो आपके क्षेत्र में कोई कार्य हुआ है ना, विकास कार्य तो देखने को ही नहीं मिलता।
ना कहीं पुल बनी है, ना कहीं सड़कें बनी है, कोई विकास का काम दिखा नहीं है, जनता आपसे नाराज है। ऊपर से आप इस तरह के बाइस्ड काम पत्रकार के खिलाफ करवा रहे हैं, जनता की तो बात छोड़िए, पत्रकार की जो सच का आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ आप कार्य करवा रहे हैं। कोई भी पत्रकार, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी पत्रकार बाइस नहीं होता है, उसको उस पर जब आप दबाव डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका विरोधी है उसका साथ उसको लेना पड़ेगा, उस परिस्थिति में आप बोलेंगे कि वो बाइस्ड है। इसीलिए महत्व ये रखता है कि आपके साथ जो